नमस्ते दोस्तों, मैं हूं निर्मल और आप सभी को स्वागत करते हैं मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है निर्मल बत्तख फार्म बिहार सहरसा। ये देख सकते हैं दोस्तों 500 अंडे का ये हैचिंग मशीन है और ये हमने थोड़ा सा कंट्रोलर को इसमें सुरक्षा के लिए हमने कर रखे हैं क्योंकि यह पैकिंग होगा और यह जा रहा है झारखंड। तो यह देख सकते हैं दोस्तों जैसे कि मेरा मशीन और सब होता है, यह देख सकते हैं बिल्कुल सेम टू सेम वही है, बस इसका जो है ये साइज छोटा है क्योंकि यह 500 अंडे का ही है और इनको लेने के लिए आए हैं झारखंड से। आइए थोड़ा सा हमारे ये जो है सब्सक्राइबर से बात जो है, आपको कैसा लगा कि यह मशीन? अब तो देखने में अच्छा लग रहा है, अब घर ले जा करके इसको यूज करते हैं। इनका पहले वाला जो घर पे अपना जो हैचिंग मशीन है वो तो देखने में सही लग रहा है और देखे उससे चूजा उजा भी निकल रहा है, बत्तख का चूजा या बटन का चूजा निकला हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आपने इनसे सुन लिए हैं कि यह जो है जो हमारा पुराना वाला मशीन है उनको भी देखे हैं, अभी वो बत्तख के बच्चे जो है वो निकल रहा है। तो इनको जो है अब यह कैसा ये अपना यूज करेंगे वहाँ पर, तो अब जो भी होगा वो तो अपना कमेंट में ये बता देंगे और आप लोग भी बता सकते हैं। और मैं विशेष करके कहना चाहूँगा कि अगर आपके यार दोस्त है, कोई है जान पहचान वाले है और बिजली के समस्या से बेहद परेशान है और उसका जो है जनरेटर का खर्च बहुत आ जाता है, तो वह आदमी के लिए जो है बेहद ही आसान है। आप यह वीडियो जो है उन तक जो है वो शेयर कर सकते हैं ताकि आपके यार दोस्त का जो है वो परेशानी कम हो जाए। और ये हमारे झारखंड से जो आए हैं ये अपने बच्चों के साथ ही आए हैं, यह देख सकते हैं बगल में है। तो दोस्तों यह आपका मशीन कैसा लग रहा है आप भी कमेंट कर सकते हैं आप। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा ये बताइए कि आप किस जगह से आए हैं झारखंड में? हमारा घर गढ़वा जिला पड़ेगा झारखंड में जी, गांव थाना मेरा मेराल है, घर गोंदा है जी, मेरा नाम रामजीत मेहता पड़ा जी। जी हाँ दोस्तों, आपने सुन लिए हैं कि ये जो है वहाँ से चल के और मेरे पास आए हैं खुद लेने के लिए मशीन। और क्योंकि देखिए ये इसलिए आए हैं क्योंकि कोरियर वाले कहीं जा चुका है, कोई फंक्शन में गए हुए हैं, वो जो है 5-6 दिन के बाद ही आएंगे। तो आप लोग जानते हैं जैसा कि गर्मी के मौसम में अंडा जो है ज़्यादा सेल तो नहीं होता है और मान लीजिए अगर ऐसे आप रखते रहिएगा तो वो ख़राब भी हो सकता है। तो सबसे बेहतर है कि आप जो है उसका चूजा निकाल के आप अच्छा जो है रेट में बेच सकते हैं। बाकी आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में लिख सकते हैं। बाकी आप लोगों को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, ईश्वर करे आपको खुश रखे। जय हिंद, जय भारत।